हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। गाइस, वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स में मेरा चैनल देखा जा सकता है तो शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं अंजू कुंडलस और कंचन धवन की। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से उन दोनों के बीच तनाव चल रहा था। इस तनाव के चलते बहुत सारे गलत फहमियाँ भी उनके बीच हुई। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उनके ऊपर तरह तरह की वीडियोस बनाई। इवन जब वो एक कोई अपना पर्सनल मैटर को लेके भी वीडियोस बनाते थे तो एक दूसरे को वो लोग सोचते थे कि वो मुझे टारगेट कर रही है, यानी कि अगर अंजू कोई वीडियो बनाती तो कंचन अपने ऊपर ले लेती, या फिर कंचन कोई वीडियो बनाती तो अंजू अपने ऊपर लेती थी। और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा था, यानी कि महीनों से चल रहा था और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन रिसेंटली कंचन ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने सारी बातें खुल के सामने रखी, और वो बातें भी उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल दी, जिसके चलते ये सब मैटर हुआ था और उन्होंने सारा चीज़ें अपने ऊपर ले ली थी। और जब अंजू कुंडलस ने उनकी वीडियो को देखा तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हुआ कि इस बार कंचन धवन सच में दिल से सॉरी फील कर रही है, और दोनों ने अपनी अपनी वीडियोस के थ्रू इस मैटर को यहीं पे ख़त्म होने का रिक्वेस्ट की है। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि ये मैटर ख़त्म हो रहा है और अब दोनों अपने चैनल पे ध्यान देंगे और एक दूसरे को टारगेट नहीं करेंगे। अगर टारगेट भी करते हैं, यानी कि अगर रिएक्शन भी देते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से होगा, यानी कि वो पर्सनल लाइफ को या फिर जो पास्ट में बातें थी उनको लेके कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कंचन ने पहल की और अंजू ने भी इस बात को समझा। यहाँ पे दोनों की मैच्योरिटी को देखा जा सकता है कि दोनों ही काफ़ी मैच्योर हैं। कंचन तो आगे बढ़ चुकी है, उनको अभी अपने लिए घर लेना है, अपने बेटे की अच्छी एजुकेशन और उसको एक अच्छी लाइफ देनी है, और अंजू ने भी इसके साथ साथ ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उनको बहुत सारी दुआएँ दी है कि वो भी आगे अपने लाइफ में मूव ऑन करें और एक अच्छी लाइफ जिए। तो मैं उन दोनों के लिए थैंक्स देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मुझे एक से ही एक ही चैनल को देखती हूँ। मैं अंजू कुंडलस और कंचन धवन दोनों के चैनल को देखती हूँ और दोनों ही मुझे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स लगते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनती है अपनी फैमिली को लेके, और यूट्यूब पे दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो हम भी आशा करते हैं कि ये मैटर आज इधर ही ख़त्म हो जाएगा और आगे आने वाले दिनों में इनके लाइफ में हम अच्छी अच्छी इनके चैनल पे वीडियोस देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।